पंचायत का मकसद तो इस आंदोलन को सफल बनाना है, और क्या मकसद है पंचायत का? आंदोलन सफल नहीं, सफल बनाना है, आगे ही चलता रहेगा, जो 9 महीने चल रहा है इसको आगे बढ़ाना है आंदोलन को। तो आगे नहीं बढ़ेगा बिना? आगे बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा, पंचायत से और ताकत मिलेगी और पूरे देश में और ज्यादा फैलेगा। पहले तो पूरे देश का आंदोलन है ही, ये जन आंदोलन बन चुका है। क्या शक्ति प्रदर्शन है? क्या शक्ति प्रदर्शन भी है? सत्ता, सरकार को सत्ता के गलियारों में जो सत्ता के दलाल बैठे हुए हैं, इनको दिखाना है कि किसान अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए मजबूती से एकत्रित हो रहा है। और ये पंचायत जो है पूरे देश की नहीं है, एशिया की सबसे बड़ी पंचायत होने वाली है, लाखों आदमी तो इस समय पहुँच चुका है वहाँ पर। क्या लगता है 9 महीने से किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, जब सरकार तब नहीं मानी तो क्या एक दिन की पंचायत से मान जाएगी? इस पंचायत में इतने कड़वे निर्णय होने वाले हैं कि सरकार को मानना पड़ेगा, जो इससे निर्णय होंगे वो देशव्यापी आंदोलन को और तेज करने के निर्णय होंगे, और ये सत्ता को बदलने वाली पंचायत साबित होगी। क्या पार्टी उटी बनेगी? पार्टी नहीं बनेगी, किसान अपनी ताकत दिखाएगा और बताएगा किस तरह से, अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो किस तरह से और फैसले लिए जाएंगे। ताकत तो 26 तारीख को दिखाई, 26 तारीख को बताओ, 4 लाख ट्रैक्टर आए, 20 लाख आदमी आया, किसी की मूँगफली उठाई किसी ने, और बीजेपी ने अपने दलाल भेजकर, दीप सिंधी को भेजकर किसान को बदनाम करने का काम किया, आंदोलन को बदनाम करने का काम किया। कोई एजेंसी है देश में जो उसकी जांच कर ले? ताकत तो आपने पूरी दिखा दी ना, और ताकत दिखाएंगे? इतनी ताकत थोड़ी है, अभी तो किसान में बहुत ताकत है, जो जमीन का सीना चीर के जो अन्न उगा सकता है उसमें बहुत ताकत है। मुजफ्फरनगर ही क्यों चुना पंचायत? मुजफ्फरनगर हमारा जो है पूरा एक स्ट्रॉन्ग है, वहाँ हमारा सिस्टम चलेगा पूरे तरीके से। स्ट्रॉन्ग कहाँ, संजीव बालियान तो धमकी दे रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? ऐसे कितने बालियान डोलते हैं धमकी देने वाले, कौन बूझ रहा है संजीव बालियान को? वो तो एक सरकार का एक छोटा सा नुमाइंदा है, उसकी कोई औकात थोड़ी है, वो तो गुलाम है, गुलाम है। इसी खाप से नहीं आते? नहीं, खाप से आते, खाप से क्या, खाप में तो हम भी तो आते हैं, खाप से हम सब किसान भी आते हैं, सब जाति के लोग हैं इसमें, ये कोई एक आदमी का आंदोलन थोड़ी है, ये सब जातियों का आंदोलन है। वो क्यों कह रहे हैं कमजोर ना समझे हमें? कौन? हमारा भी खून है। नहीं, वो कह सकते हैं, अपना अपना सबका है, वो सरकार का एक सांसद है, चुना हुआ प्रतिनिधि है, मंत्री है, वो अपना कह सकता है सब बातों को, हमें उससे क्या करना है? आपने नहीं चुना उनको? नहीं चुना तो हम नहीं है, लेकिन अब क्या करें उनका, जब वो बेकार निकल गए सरकार, हमने तो उसे क्या प्रधानमंत्री को चुना है, मुख्यमंत्री को चुना है, हमने किसको नहीं चुना? इस देश के किसान ने किसको गद्दी पे नहीं बैठाया, मुझे बता दीजिए। सर इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी होने वाली है, आपको नहीं लगता कोई आखिर घटना का? कोई घटना नहीं होगी, ये किसानों की भीड़ है, ये कोई आतंकवादियों की भीड़ थोड़ी है, ये तो इनकी जैसे तालिबानियों की जो इनके कमांडर बैठा दिए हैं इन्होंने, आपने देखा है टिकैत साहब का बयान है, और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि अब हमारे देश में भी तालिबान कमांडर आ गए हैं, जिसका जन्म वहाँ करनाल से हुआ, एक SDM है जो किसानों पर सीधी लाठी चलाने की बात करता है, ये कोई ये किसान की भीड़ है, ये इसमें किसी पीर के गए पर घटना नहीं होगी, अगर होगी तो सिर्फ किसान रोकने का काम करेगा। तालिबान कमांडर क्यों लग रहे हैं तुम्हें? कमांडर लग रहे हैं वो तालिबान ही है, गोली चलती है, डंडे चल रहे हैं, एक किसान की हत्या हो गई और एक की आंखें चली गई दोनों। मैं गया था करनाल परसों ही आया हूँ वापस वहाँ से, पुलिस तो मना कर रही है, पुलिस और देख वीडियो देख लीजिए आप, माध्यमिक पत्रकार बंधु आप समझदार व्यक्ति हैं, देख लीजिए वीडियो, उसमें सब कुछ दिख जाएगा किस तरह से वहाँ हो रहा है, किस तरह से लाठियाँ भाजी गई हैं, किस तरह से उनके सिर फोड़े गए हैं। सर हरियाणा में परिस्थिति क्यों खराब हो जाती है आंदोलन तो यूपी? हरियाणा की परिस्थिति इसलिए खराब होती है क्योंकि वहाँ का मुख्यमंत्री इस आंदोलन को हरियाणा में शिफ्ट करना चाहता है दिल्ली से, इसलिए वहाँ रोज रोज घटनाएं करी जाती हैं, इसलिए वहाँ स्थिति खराब होती है। ये चाह रहे हैं कि दिल्ली से आंदोलन शिफ्ट होकर हरियाणा में आ जाए, लेकिन ये पूरे देश का आंदोलन है, ये किसी एक उस राज्य का आंदोलन नहीं है, ना एक प्रदेश का आंदोलन है, ये दिल्ली से चलेगा, दिल्ली इसका स्ट्रॉन्ग रूम रहेगा यहाँ से। कितने लोग पहुँचेंगे महापंचायत में? कोई अनुमान नहीं लगा सकते, 1 लाख से ज्यादा, लाखों आदमी तो पहुँच चुके हैं, अभी तो 3 दिन है और पता नहीं कितने कई लाख आदमी पहुँचेगा वहाँ। नहीं, व्यवस्था क्या बनाई है? व्यवस्था पूरी तरह से बनाई हुई है, हमारे वॉलंटियर्स और जो हमारे आम किसान है और जो सब जितने भी हमारे अतिथि आएंगे सबको रुकने की, बैठने की, खाने की सारी व्यवस्थाएं बनाई गई है। लेकिन कई बार देखा गया आपका भीड़ पे आपके नेताओं का कंट्रोल तो रहता? कैसे नहीं रहता भीड़ पे कंट्रोल, बताइए हमारी भीड़ ने कहाँ कोई घटना की है? जब कोई आदमी अगलाई उकसा के और अपने आदमियों को भेज कर भीड़ में कोई घटना कराता है तो अलग बात है, हमारे किसी भी किसान के भाई ने किसी बेटे ने कोई घटना नहीं की है, बता दीजिए एक घटना की, किसान भीड़ पे कहाँ कंट्रोल नहीं रहा? संयुक्त मोर्चा का पूरी तरह से कंट्रोल है अपने आंदोलन पर, जब से 9 महीने चल रहा है, मुझे बता दीजिए आज़ादी के बाद पहला ऐसा आंदोलन है जो इतनी शांतिपूर्वक 9 महीने चल रहा है कोई आंदोलन इसके अलावा जो चला है 9 महीने तक? आप मुझे एक आंदोलन गिनवा दीजिए। नहीं, कोई आंदोलन नहीं है तो बता दीजिए, अगर कंट्रोल नहीं होता 9 महीने चल जाता क्या? ये 9 महीने चल जाता क्या आंदोलन? ये कंट्रोल की बात है, ये पूरा और चलेगा आंदोलन, ये जब तक बिल वापस नहीं होंगे, जब तक MSP पे कानून नहीं बनेगा, जब तक ये आंदोलन चलेगा। सरकार ने तो मना कर दिया कानून तो वापस नहीं, तो हम भी कहाँ जा रहे हैं? हम भी बैठे हुए हैं, हमें कोई काम थोड़ी, हम भी तो हमारे जो भाई हैं वो किसान खेती करते हैं, शिफ्ट भाई यहाँ ड्यूटी देते हैं, और जब तक इस जब सरकार बदलेगी जब हो जाएंगे बिल वापस, ये नहीं बदलेगी 2024 में कोई और सरकार आएगी वो वापस करेगी, उसकी क्या गारंटी है? गारंटी है इस चीज़ की, गारंटी है इस चीज़ की। बातचीत हो गई है क्या? हाँ बातचीत हो गई है। किससे? सबसे हो गई है,
जितनी पार्टियां सबसे बात हो गई है। नहीं, यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाला, हराएंगे इनको विपक्ष की पार्टी, इनको हराएंगे। आपका तो कोई जिक्र नहीं कर रही, कोई मुद्दा नहीं बना रही। नहीं, हमें क्या करना है मुद्दा बनवाने से, हमें अपनी लड़ाई लड़नी, हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी। आपका तो कोई नाम भी नहीं ले रहा। नहीं, हमें नाम लिवाना ही नहीं है, जब हमें क्या जरूरत पड़ी है, हम आंदोलन चला रहे हैं, 9 महीने से आंदोलन चला रहे हैं, हम क्या नाम लिवाए किसी को। हम पूरे प्रदेश में जाके, जिस तरह बंगाल में कहा था, पूरे उत्तर प्रदेश जाके कहेंगे बीजेपी को वोट नहीं देना, किसी को दे दो। ये होगा, हाँ ये यहाँ करेंगे, उत्तराखंड में भी करेंगे, पंजाब में भी करेंगे, और जहाँ भी बीजेपी चुनाव लड़ेगी वहीं करेंगे। जिताओगे किसको? किसी को वोट दे दो, हम किसी के लिए वोट थोड़ी मांग रहे हैं। किसान किसी पार्टी का थोड़ी है, ये हरी टोपी लगाकर होने वाला आंदोलन है, किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा डंडा लेकर आंदोलन नहीं हो रहा है। ये हरी टोपी के नीचे आंदोलन हो रहा है, और ये किसानों का आंदोलन है भाई। क्या लग रहा है आपको? नहीं लग रहा कि किसानों कमजोर पड़ते जा रहे हैं? कहीं कमजोर, मुझे एक बात बताइए, कई लाख आदमी इकट्ठा हो रहा है कमजोर का, अब तो और किसान मजबूत होगा। 5 तारीख के बाद तो ऐसी अलग जगने वाली है, ये रोक नहीं पाएंगे सुनामी को। देख लेना कमजोर कहाँ हो रहा है, वो तो और ताकत से आगे बढ़ रहा है। और मंत्री साहब कहते हैं भीड़ इकट्ठा करने से कानून वापस नहीं होंगे। मंत्री कहने से क्या हो रहा है, ऐसे मंत्री कहते डोलते, कौन बूझ रहा है मंत्री को? कोई है 180 सांसद गुलाम है इस पार्टी के, जिनके सर्टिफिकेट दे रखे नरेंद्र मोदी ने, उन्हें कुत्ता नहीं बूझ रहा, इस मंत्री कौन बूझेगा? एक कब पता चला आपको गुलाम है सांसद? हमें पता है इस बात की, कब पता चला? अरे हमें पिछले 4 साल से पता है भैया, हमें किसकी नहीं पता, हमें तो मीडिया की पता है, कुछ चैनल कितने गुलाम है जो कोई अपनी एक जुबान नहीं खोल सकते। 19 में वोट क्यों दे दिया फिर आपने? ये गलती हुई है, इसे अंदाजा है, गलती लास्ट गलती है, लेकिन अब ये गलती इनका गड्ढा खोदने का काम करेगी। 5 रुपए तो गन्ने पे बढ़ा दिया अब तो कुछ, ये बहुत बड़ा इन्होंने एहसान कर दिया, इसको और 10 हमसे वापस ले लें, हमारा 13,000 करोड़ रुपए बाकी गन्ने का उसे दे दें, ये 13,000 करोड़ रुपए बाकी उसे दे दें, 5 रुपए देखें, इन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है, इस एहसान किसान जीवन में भूल नहीं सकता। नेताजी जैसा भी सरकार का रवैया लग नहीं रहा कि वो पीछे कदम हटाए। तो हम भी पीछे कहाँ हट रहे हैं? हम भी पीछे नहीं हटेंगे, इतने बिल वापस नहीं होंगे, कानून वापस नहीं होंगे, MSP पे कानून नहीं बनेगा, बिजली बिल पे अमेंडमेंट बिल नहीं आएगा, इतने हम वापस नहीं होंगे, हम ही कहाँ हटने वाले हैं? अगर हटने वाले होते तो 9 महीने में अपने घर नहीं चले जाते? ये देखे बुजुर्ग बैठे हैं, ये अपनी पूरी जान लगा के यहाँ बैठे हुए हैं, युवा साथियों का साथ है इसमें, कोई देश का एक एक व्यक्ति इस आंदोलन के साथ है, ये हटने वाला थोड़ी है। तो सरकार आखिर क्यों नहीं आपकी बात माननी? आप यार एक बात मुझे आज बता दो, वो तुमने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं इसका बहुत सुंदर जवाब दूंगा। इस देश में सरकार है ही नहीं, और इस देश में पूंजीपतियों के गुलाम बैठे हुए हैं। अगर सरकार होती तो अब तक सरकार बिलों को वापस ले लेती, क्योंकि इस सरकार को बनाने में अन्नदाता का हाथ था, किसानों ने वोट देकर बनाई है। जब एक बात मुझे बताइए, वेयर हाउस पहले बन जाते हैं और कानून बाद में आते हैं तो क्या है ये? वेयर हाउस पहले बन जाते हैं और कानून बाद में आते हैं तो क्या मानोगे इसे? सरकार नाम की कोई चीज है? आपने कहीं लिखा देखा अब की बार भाजपा सरकार? हर जगह लिखा होता अब की बार मोदी सरकार, और मोदी कौन है? अडानी अंबानी का गुलाम। तो सरकार है ही नहीं। जब वोट दिया आपको पता नहीं था, जब पोस्टर लग रहे बड़े? नहीं, जब वोट दिया था, वोट तो किसी को भी दे सकते हैं। हर मोदी, घर घर मोदी। अरे घर घर मोदी आज वही है, गड्ढे मोदी, अब नहीं बचा कुछ भी, होलिया काम पे थी, सब कुछ नहीं है उसके, तो दिन दिखने लग गए उसको, अब उसको कुछ नहीं दिख रहा, उसे अपने दिन दिख रहे हैं, और जो राष्ट्रपति बनने का सपना वो देख रहा है, वो बहुत जल्दी भगने वाला है, प्रधानमंत्री पद छोड़ के राष्ट्रपति बनेगा कौन? ना मोदी, देख लेना। ये खबर कहाँ से आई है? हमारे पास खबर आती रहती है, हम किसान हैं, हम जड़ से जमीन से जुड़े हुए लोग हैं हम। नेताजी आप लोग कहते हैं गोला लाठी देंगे सरकार की, कब दे रहे हो गोला लाठी? गोला लाठी तो है 5 तारीख को, ये इससे बड़ी गोला लाठी क्या होगी? इससे बड़ी गोला लाठी नहीं होगी निकली कुछ, 5 तारीख गोला लाठी की तैयारी है, अरे ऐसी गांठ लगेगी खोले से ना खोलेगी इन पब की बारे। प्लान क्या है? बड़ी बड़ी पंचायत प्लान ये है, फैसले लिए जाएंगे, बड़े फैसले लिए जाएंगे, 9 महीने हो गए, 9 महीने बच्चा भी हो जाता है, अब इनका भी तैयारी हो गई है इनका करने का मामला पूरा। क्या करोगे फिर भी? कुछ करेंगे, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा, जत्थेबंदी हमारी 40 जत्थेबंदियां हैं जो आंदोलन चला रही हैं, माननीय राकेश टिकैत जी हैं और सभी लोग हैं, जो फैसला लेंगे आगे तैयारी करेंगे। जैसी पंचायत अभी नेता कर रहे हैं ऐसी पंचायत होगी ये कुछ बड़ी नहीं, नेताओं की पंचायत थोड़ी होती है, नेता तो अपना प्रचार करते हैं, नेताओं कहां से पंचायत देख लिया आप लोगों ने? टिकैत साहब नहीं कर रहे हैं? कौन? टिकैत साहब पंचायत कर रहे हैं तो पंचायत नहीं, वो तमाम नेता कर रहे हैं। नहीं, आप पार्टी के नेताओं की बात कर रहे हैं, हम तो किसान को जोड़ने का काम कर रहे हैं, हम किसान को जोड़ने का काम कर रहे हैं, हम कोई अपने प्रचार नहीं कर रहे, हमारे को राजनीतिक दल नहीं है। तमाम जो किसान नेता पंचायत अभी कर रहे हैं इसी पंचायत, इससे बहुत बड़ी पंचायत है, वो पंचायत का ही एक बहुत बड़ा स्वरूप बन के, एक समुंदर बन के वहाँ लहर बन के आएगी पूरी तरह से, जो पूरे देश में टिकैत साहब ने मेहनत करी है, वो पूरे देश से किसान एकत्रित होकर मुजफ्फरनगर पहुँच रहा है 5 तारीख में। अगर सरकार नहीं झुकी तो फिर अगला भी प्लान क्या है? वो संयुक्त मोर्चा तय करेगा हमारा क्या प्लान है, वो सही हमारे शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा क्या करना है, सब चीज़ का इंतजाम है, इनका इंतजाम होगा तरीके से। इंतजाम होगा कैसा? इंतजाम 9 महीने से आपको दिख जाएगा, और 3 दिन की बात है, क्यों परेशान हो रहे हो? 10वां महीना चल रहा है, कोई बात नहीं, चलता रहेगा, हो सके और कितने 10 महीने लग जाएं इसमें, क्योंकि आज़ादी के इस आंदोलन को 90 साल चला था, इसे 9 महीने ही हुए हैं।
ये आजादी का आंदोलन और क्या है, ये किसान की आजादी का आंदोलन है। जब जमीन छीनी जा रही हो, जिसको गुलाम बनाया जा रहा हो, अंग्रेज भी तो गुलाम बनाते थे, पहले सफेद अंग्रेज थे, अभी काले अंग्रेज हैं। कहाँ जमीन छीनी जा रही, क्यों नहीं जमीन छीनी जा रही और किस लिए आए कानून ये? मतलब कई हजार बीघे में वेयर हाउस बन गए और ये किसकी तैयारी और भंडारा करेंगे उसमें? नहीं, सरकार जो उद्योगपति है एफसीआई से पहले से कॉन्ट्रैक्ट, अरे किसी उद्योगपति के नहीं है, इन्होंने तय कर दिया एक एक जमीन की। सरकार देकर गई थी, कांग्रेस सरकार की गलती है, हम कांग्रेस को कहां अपना हितैषी मान रहे हैं। 2012 में कांग्रेस लाई थी इन बिलों को, काम उन्होंने किया और इसको मुकाम तक पहुंचाने का काम बीजेपी ने किया है, इसमें कहां दो रहा है? हिंट तो दीजिए थोड़ा सा, क्या करोगे पंचायत? नहीं, हिंट तो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ संगठन का, संयुक्त मोर्चा का, मैं कोई हिंट देने वाला थोड़ी हूँ। इन 9 महीने में कितनी सफलता मिल गई? सफलता मिल गई, आज जो आप लोग हमसे बात कर रहे हो सफलता ही तो है। अगर आप कहाँ पूछते, अगर हम विफल होते तो आज तो पहले से बात, अरे कहाँ सब ठीक है, जैसे सबको पता है आंदोलन करते आप लोग, हम तो आते थे। नहीं, धन्यवाद है आपका, आप आते हो, लेकिन सफलता ही है और क्या है, और ये 5 तारीख को देख लेना कितनी सफलता तक पहुँचेगी बातें। मतलब पूरा दांव 5 तारीख को लगा, पूरी ताकत के साथ। पहले आपने बंगाल पे लगाया, बंगाल तो बंगाल में हरा तो दिया इनको, हरा तो दिया, पर आपका तो कुछ फायदा नहीं हुआ। नहीं, हमें कैसे फायदा नहीं हुआ, क्या वहाँ के किसान ने इनको औकात दिखा दी, आज इनके कार्यकर्ता सिर मुंडा मुंडवा के वापस टीएमसी में जा रहे हैं, और क्या मुंडवाना चाह रहे हो इनका वो बता दो, वहाँ मुंडवा देंगे इनके। किसानों की वजह से जीती है, दीदी की वजह से? किसानों का पूरा सहयोग रहा है इसको बीजेपी को हराने में, आगे भी रहेगा। दीदी से मिले थे हम, दीदी से क्या दिक्कत है मिलने में बताओ? एक मुख्यमंत्री से मिलने में कोई ऐतराज है क्या? नहीं नहीं, दीदी को वहाँ से आई है, अफगानिस्तान से आई है क्या? देश की नहीं है दीदी? नहीं, उनका भी कुछ योगदान रहा, योगदान तो रहा ही है, मुख्यमंत्री है वहाँ की, अच्छी लेडी है, सोचती है किसानों के बारे में। सर थोड़ी सफलता बता दीजिए आखिर में, क्या क्या आपको सफलता मिली? सफलता सारी मिल गई, 9 महीने से हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, इससे बड़ी सफलता क्या होती है? अगर तुम किसी चीज को इकट्ठा कर रहे हो और वो मुकाम तक पहुंचने वाली हो तो सफलता ये, 9 महीने में अगर तब तो बिखर जाता, 9 दिन आंदोलन चलाना कैड़ा हो जाता है, या 9 महीने हो गए कम सफलता मान रहे हो उसको? हमने देखा कवर करने गए, जब पहले किसान नेता किसान कहीं जाते थे लोग फूल बरसाते थे, लेकिन अब विरोध कर रहे हैं। वो किसान नहीं है, वो जो आरएसएस के गुंडे हैं सब, वो कोई किसान आज भी किसान किसान आंदोलन के साथ है, वो बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे हैं, जिस तरह वर्दी पहन के आ जाते हैं, जिस तरह बदल रही है क्या? कुछ भी हाना नहीं बदल रही, देश का जो असली किसान है आज भी आंदोलन के साथ है, और ऐसे छुटमैया कितने डोलते हैं, ये डोले जाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।